रखिएगा, ईमान बचाए रखिएगा, सम्मान बचाए रखिएगा, कि हम एक जिंदा कौम है, पहचान बचाए रखिएगा। सलीम को हम बचा न पाए 2019 में। रखा गया है जी, क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे ग्वालपुर सभी लोगों को? मैं आज इस जनसभा के जरिए ग्वालपुर के तमाम लोगों से यही कहना चाहूँगा इस शेर के साथ, कि मैं एक कतरा होकर दरिया से टकराता हूँ, मेरी हिफाजत करना समंदर की जिम्मेदारी है, दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई अंधेरों पे भारी है। और एक नजम, उसके जो चार लाइन खासकर मैं विक्टर भाई के लिए तैयार किया था, मौका नहीं मिला मुझे आज इस मंच में गाने का, तो चार लाइन में बोल के आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। ईमान बचाए रखिएगा, सम्मान बचाए रखिएगा, ईमान बचाए रखिएगा, सम्मान बचाए रखिएगा, कि हम एक जिंदा कौम है, पहचान बचाए रखिएगा। सलीम को हम बचा न पाए 2019 में, सलीम को हम बचा न पाए 2019 में, आया है घर का बेटा अली इमरान बचाए रखिएगा, आया है घर का बेटा अली इमरान बचाए रखिएगा। इसी नजम का मैं आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। इल्मुल की है यही गुजारिश, एकजुट होके रहिएगा, इल्मुल की है यही गुजारिश, एकजुट होके रहिएगा, कौम के लोगों तुझको कसम हर एक से जाके कहिएगा, कौम के लोगों तुझको कसम हर एक से जाके कहिएगा, बंटवारा अगर हो जाओगे कांग्रेस टीएमसी के नाम पर, बंटवारा अगर हो जाओगे कांग्रेस टीएमसी के नाम पर, फिर बाजी ले जाएगा बीजेपी हाथ मलते रहिएगा, फिर बाजी ले जाएगा बीजेपी हाथ मलते रहिएगा। ईमान बचाए रखिएगा, सम्मान बचाए रखिएगा, सलीम को हम बचा न पाए 2019 में, आया है घर का बेटा अली इमरान बचाए रखिएगा। हम सबको नेता की नहीं जरूरत बल्कि बेटा की जरूरत है, भाई की जरूरत है। मैं माओं से, बहनों से, अदबन सबसे दरख्वास्त करूंगा, अगर हमने विक्टर भाई को कामयाब बनाया तो ये किसी का बेटा बनेगा, किसी का भाई बनेगा, भाई बनकर काम करेगा, जब बेटे की जरूरत बनेगी तो बेटा बनकर काम करेगा। बस मैं यही से अपनी बात खत्म करता हूँ। सब और खुसूसन हम सबको मुत्तहिदों की जरूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज ही पूना से आया, सुबह की मेरी फ्लाइट थी, हमने पूना में भी जी हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह इस बार हमारे उलमा के जितने भी ग्रुप है, मैं पूना में इमाम हूँ, पूना में हमारे उलमा के ग्रुप है, सबकी राय सब विक्टर भाई के साथ है। उलमा उत्तर दिनाजपुर भी अक्सर लगभग 90% विक्टर भाई के साथ है। इसके अलावा प्लस हमारे जितने भी हमारे करंदगी के उलमा के ग्रुप हैं, उनमें भी अक्सर उनके 90% जो लोग हैं विक्टर भाई के साथ है इंशाल्लाह। इससे पता ये चला हमारी माँ और बहनें, नौजवान, अजीज जो सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि इसलिए ज़रूरत है कि जब हमें पार्लियामेंट, खुदा ना खास्ता हमारे नौजवान जो बाहर रहते हैं, अगर इसको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई किसी कागज़ की, तो कोई कागज़ मिलने वाला नहीं, इसलिए विक्टर भाई को कामयाब बनाना ज़रूरी है। आप लोगों का शुक्रगुजार, सभी का शुक्रगुजार कि इतने लोग विक्टर के
विक्टर के इसमें आए हैं। देखिए इस वक्त हम लोगों को विक्टर चाहिए, पार्लियामेंट में विक्टर जैसे आदमी की ज़रूरत है, इसलिए हम लोगों ने उनका साथ दिया है। मैं तो किसी पार्टी में अभी नहीं हूँ, ना कांग्रेस में, ना बीजेपी में, ना ये तृणमूल में, लेकिन यह है कि इस वक्त मुझे जो है सिर्फ विक्टर चाहिए, विक्टर जैसे आदमी की ज़रूरत है पार्लियामेंट में, जो इलाके के हक की बात करे, इलाके के हित की बात करे, जवानों की बात करे, रोजगार की बात करे। और ये जो है पूरे ग्वाल पोखर के और पूरे उत्तर दिनाजपुर के लोगों को मैं कहूँगा कि ऐसा नेता आप लोगों को नहीं मिलेगा। आज अगर ये मौका खो दिए तो फिर ऐसा नेता आपको जिंदगी में नहीं मिलेगा। आज जितने भी नेता है विक्टर जैसा नहीं है, विक्टर जिस तरह आवाज़ उठा सकता है दूसरा कोई भी आवाज़ नहीं उठा सकता है। দেশ আমাদের বাঁচবে কিনা, হিন্দু মুসলিম আমরা একসঙ্গে থাকতে পারবো কিনা, আদৌ এরপরে আমাদের বাম জোট সবাই ভোট দিচ্ছে এবং পরিশ্রম করছে, ঠিক তেমনি হচ্ছে আমাদের এই কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের ভালো ক্যান্ডিডেট ভিক্টর আলী ইমরান রামি সিপিআই করি, আমাদের হচ্ছে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কোথায় কি হলো না হলো এগুলো না দেখে কে ঢাকা হচ্ছে একটা লাস্ট সুযোগ আমাদের কাছে, আমাদের এলাকার ছেলে, আমাদের ঘরের ছেলে। এবং আপনারা জানেন যে ভিক্টর এমন একটা লোক, কোনো কিছু কোথায় অন্যায় হলে শুনলে পরে সে সেখানে পৌঁছে যাচ্ছে।